चलिए, तो हम तो लोग देख रहे हैं इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर। मुद्रा नीति नियमित होती है, तो याद रखिए रिजर्व बैंक द्वारा भारत के विदेशी विनिमय कोष का वित्तीय रक्षक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसी प्रमुख लोकप्रिय कंपनियों के शेयर जो पिछले कई वर्षों से निरंतर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हों तथा भविष्य में उनका और विकास होने की संभावनाओं कहलाता है ब्लू चिप। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क व सेवा कर श्रेणी में आते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर। अगला है, देश में सर्वाधिक शहरी आबादी राजधानी दिल्ली में, यह शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? 93.2%। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं? तो ये मौसमी, आदर्श, अल्प रोजगार। अगला है, 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, तो इसकी स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। अगला है, भारतीय रुपए की विनिमय दर बनाए रखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना तथा व्यावसायिक बैंकों के बैंक का दायित्व निभाना किसका प्रमुख कार्य है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का या आरबीआई का। अगला है, आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल व पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष करें? तो यह केंद्र सरकार द्वारा। अगला है, योजना आयोग एक परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था है, क्या भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख है? नहीं। अगला है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एनहेंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण पर किस वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है? तो यह 0.5%। अगला है, पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? तो यह विश्व बैंक। अगला है, हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी? तो राजकृष्ण ने। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किन्हें ऋण प्रदान करता है? तो यह विकासशील राष्ट्रों में निजी उद्योगों को। अगला है, हमारी सरकारी एजेंसियां या निजी संस्था द्वारा किसी विशेष आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए दिया गया कोष क्या अलग कहलाता है? अर्थ सहाय। अगला है, किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है? निर्धन वर्ग पर, तो अप्रत्यक्ष कर। अगला है, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगला है, शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? तो जानकी रमन समिति। अगला है, 1 रुपए के नोट व सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है, इन नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर रिजर्व बैंक के, आरबीआई के गवर्नर के। अगला है, सन 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? भारतीय स्टेट बैंक। अगला है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। अगला है, देश के 150 जिलों में प्रारंभ किए गए काम के बदले अनाज के अनाज योजना में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य उड़ीसा। अगला, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा एवं राजस्व घाटा में बड़ा कौन सा है? राजकोषीय घाटा। अगला है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगला है, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है, भारतीय वैज्ञानिक माप संस्थान कहाँ है? रांची में। अगला, योजना आयोग ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, किंतु उनमें अब तक की इतनी वार्षिक योजनाएं लागू की? 7। याद रखिए, योजना आयोग ने 2017 तक चली इसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, और योजना पंचवर्षीय योजना की योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ गया।
योजनायोग को तिथि स्थापित करके। अगला है जनवरी 1950 में जय विकास नारायण ने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम बताइए, सर्वोदय योजना। अगला है भारत के विदेशी विनिमय संचार का वित्तीय रक्षक कौन है, यह भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है किस औद्योगिक नीति में लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया था, तो यह औद्योगिक नीति 1991। अगला है मालगुजारी और मनोरंजन करों को कौन आरोपित व उपभोग करता है, तो याद रखिए राज्य सरकार। अगला है पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह नई योजना किसका लक्ष्य भारत की समृद्धि विरासत के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और देश में स्वच्छता अतिथि सत्कार की भावना की बढ़ोतरी के साथ साथ विदेशी मेहमानों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना है, अतिथि देवो भवा। अगला है उत्पादों की खरीदारी भंडारण संग्रहण स्थानांतरण विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है, भारतीय खाद्य निगम। अगला है प्रत्येक देश निर्धारित कोड के अनुसार IMF कोष में अंशदान करता है, इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसे विशेष आहरण अधिकार SRB। अगला है उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 1986 में। अगला है सेल वन नाम से मोबाइल सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, तो है BSNL। अगला है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, टोक्यो। अगला है प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है, वित्त मंत्रालय। अगला है मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है, महबूब उल हक की। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो योजना आयोग की। अगला है केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम के बदले अनाज का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहां से किया, आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले से। अगला है गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है, ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला है यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है तो मूल्य ह्रास होगा, शून्य। अगला है भारत में सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम DPAP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1973 में। अगला है किस देश द्वारा आयातों पर लगाए गए करों को क्या कहते हैं, टैरिफ। अगला है कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान की 7वीं अनुसूची को किस सूची में शामिल किया गया, राज्य सूची में। अगला है बगलीहार योजना भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर। अगला है APMC अधिनियम का पूरा नाम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम। अगला है भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया, भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर। अगला है किस सीमा तक के वार्षिक कारोबार को सेवा कर से मुक्त रखने की घोषणा की गई है, 4 लाख रुपए वार्षिक। अगला है सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय किस प्रकार किया जाता है, तो यह भारत सरकार द्वारा सृजित प्रारंभिक शिक्षा कोष। अगला है कृषि विपणन अवस्थापन शरणीकरण एवं मानकीकरण का विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा नाबार्ड तथा राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा। अगला है अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों टैंकों का उत्पादन किस औद्योगिक घरानों द्वारा किया जाता है, हिंदुजा। अगला है भारत के केंद्रीय सरकार के बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद है ब्याज। अगला है भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी, मानवीय विकास। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताओं उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है, मध्य प्रदेश में। अगला है भारत में पंचायती राज पद्धति सर्वप्रथम किस राज्य ने कार्यान्वित की थी, राजस्थान ने। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का पद कितने समय के लिए होता है,
ये 5 वर्ष के लिए। अगला है सेल्यूलर फोन के पिता कौन है, फ्रेड मॉरिसन। अगला है न्यूक्लियर स्रोतों में बिजली उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला है भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है, 16 रेलवे जोन में। अगला है कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब की गई, 1965 में। अगला है विश्व टेक्सटाइल्स व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 4%। अगला है वैट वैल्यू एडेड टैक्स कर को किस कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, बिक्री कर। अगला है भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था, 1857 में। अगला है मुद्रा संकुचन का कारण होता है, तो यह वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। अगला है वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की हैक्स ने। अगला है उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, अल्फ्रेड मार्शल। अगला है बड़े धक्के का सिद्धांत किसने विकसित की थी, तो प्रोफेसर पॉल एंड रोजस्टीन रोडान ने। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम में। अगला है सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है, राजस्थान। देश में पहला स्थान है राजस्थान का। अगला है 1991 से 2001 के दौरान देश में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की गई, मुस्लिम में। अगला है द्वीप विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगला है वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 1982। अगला है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, केरल में। अगला है दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है, मुंबई में। अगला है भारत यूनिट ट्रस्ट UTI का मुख्य उद्देश्य क्या है, यूनिटें बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना और उसके धन को निगमों के शेयर में लाना। अगला है रोजगार ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अवसंरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की। अगला है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया था, 19 अप्रैल 2000 को। अगला है भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है, तो सेबी का। अगला है भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक HDFC बैंक का पंजीकृत कार्यालय है मुंबई में। अगला है रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई, जुलाई 1988 में। अगला है H1B वीसा का संबंध किस देश से, अमेरिका से। अगला है हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। अगला है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है, तो यह अभी दत्त पूंजी पर। अगला है किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है, यह टेलीफोन। अगला है राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है, कानपुर। अगला है डो जोन्स क्या है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बाजार शेयर सूचकांक। अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान की गई, 1969। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किस समिति ने की थी, 1989 में गठित AM खुसरो समिति ने। अगला है मंगला क्या है, तो राजस्थान में एक तेल कुआ। अगला है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं BS मिन्हाज। अगला है किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बंद पत्र का। अगला यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा मुद्रा स्फीति। अगला है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होता है, उत्तर है अब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो जब। अगला है सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है, उत्पाद शुल्क से। अगला है भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है, यह एक सलाहकारी संस्था है। अगला है भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है, विदेशी मुद्रा स्वर्ण तथा SDR। अगला है एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, प्रोफेसर अहमद सैन भारत के। अगला है संक्षिप्त रूप नाबार्ड का तत्व क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट।
अगला है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? उत्तरांचल। अगला है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपरोक्त मूल सूचकांक। अगला, यूटीआई का औपचारिक विभाजन कब हुआ? 1 फरवरी 2003 को। अगला है, मूल्यांकन की किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? एसडीआर को। अगला है, प्रतिदिन भारतीय रुपए की विनिमय दर कौन तय करता है? तो यह विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर आधारित बाजार की शक्तियां। अगला है, मुद्रा गुणक क्या होता है? तो कुल धन और आधारभूत धन के बीच का अनुपात। अगला है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अंत तक साक्षरता दूर करने का लक्ष्य था 75%। अगला है, भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंधकीय संस्थान कौन है? एसपी जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिसे हरित क्रांति संभव हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना के। अगला है, चुंगी एक कर है, नगर पालिका द्वारा स्थानीय निकायों या स्थानीय निकायों द्वारा शहर में लाए गए माल पर लगाया जाता है। अगला है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग। अगला है, भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल और चीनी मुहैया कराने में लगी है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है, भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देती है। अगला है, हैरोड डॉमर मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां सभी उत्पादनकर्ता वांछनीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हैं। अगला है, शेयर बाजार में परिपथ नियोजन व्यापार को किस प्रभावित करता है? कैसे प्रभावित करता है? सीग लेन देन को सरल बनाकर। अगला है, विश्व के कुल कॉफी उत्पादन के 4.0% भाग का उत्पादन भारत में होता है तथा भारत का 6वां स्थान है। भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56.5% उत्पादन के साथ किस राज्य का प्रथम स्थान है? कर्नाटक। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए मुक्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की योजना प्रारंभ की है, इसे क्या कहा गया? गोल्डन हैंड शेक स्कीम। अगला है, आजकल मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लगाया जा सकता है जिसके तहत देश की मुद्रा मुक्त रूप से प्रमुख विदेशों विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती हैं। कब से भारतीय मुद्रा रुपया को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देनों के पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो 19 अगस्त 1994 से। अगला है, साख नियंत्रण से अभी प्राय देश में साख की मात्रा एवं दशा पर नियंत्रण से है। भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह क्रेता से भी कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो, तो इसे क्या कहा जाता है? काउंटर ट्रेड की नीति। अगला, इंदिरा आवास योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना को कब प्रारंभ किया गया? मई 1985 में। अगला है, किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र है क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात पहले 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवर्ती दर मात्र 3.4% रही। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने क्या नाम दिया? हिंदू वृद्धि दर। अगला है, आरबीआई तथा आरबीआई द्वारा सीआरआर को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है? 3% से 15% के मध्य। अगला है, आयोजना काल के आरंभ 1951 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 18.3%। अगला है, हमारा योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दलों ने ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना है जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400
प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती। शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया कि 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात 933 है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने वर्ष 2026 के लिए इसे कितना आकलित किया? 930। अगला है हमारा अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या है? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अगला है हमारा कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? 7%। अगला है खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक पदार्थों को PDS के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस देश की है? भारत। अगला देश में विदेशी निवेश के वास्तविक प्रवाह को रूप बढ़ाने व परियोजनाओं के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई? यह विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण